महिला टीम चैंपियनशिप का फाइनल मुकाबला खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 का ये बड़ा अवसर है। टेबल टेनिस की प्रतियोगिता जहां टीम चैंपियनशिप के मुकाबले खेले जाते हैं। पिछले संस्करण की ब्रॉन्ज मेडलिस्ट SRM यूनिवर्सिटी तमिलनाडु फाइनल मुकाबला खेल रही है। पिछले संस्करण से एक कदम आगे बढ़ा है। पिछली बार सेमीफाइनल में परास्त हुई थी। इस बार फाइनल में एडामास यूनिवर्सिटी पश्चिम बंगाल के खिलाफ मुकाबला खेल रही है। सिर्फ खेल नहीं रही बल्कि बड़ी बढ़त हासिल कर ली है। खिलाड़ियों ने शानदार खेल का प्रदर्शन किया है। कोशिका ने परास्त किया दीपा नेता को 3-1 से। वहीं ग्लेडन फ्लोरन ने अभी कुछ देर पहले दूसरा सिंगल्स जीता 3-1 के स्कोर से ही। बड़ी खिलाड़ी मुंदन कुंडू को परास्त किया और अब तीसरा सिंगल्स। आमने सामने हैं पवित्रा और श्रीजानी डे रिप्रेजेंट कर रही हैं एडामास यूनिवर्सिटी पश्चिम बंगाल को, जबकि SRM यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट कर रही हैं पवित्रा। इस मैच को कंडक्ट कर रही हैं बतौर चेयर अंपायर MS बिंदु, केरला की रहने वाली, आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रही हैं। कई अंतर्राष्ट्रीय मुकाबलों में बतौर अंपायर उन्होंने अपनी सर्विस दी हैं। दूसरी तरफ रेड कलर की जर्सी में हैं श्रीजानी डे, आप भी अनुभवी खिलाड़ी हैं, हावड़ा पश्चिम बंगाल की रहने वाली। शुरुआती अंक अर्जित किया पवित्रा ने। अपने सर्विस पर अंक बनाए, अंक हासिल किए। लगातार 3 अंक श्रीजानी डे। ग्यारह में सब जूनियर नेशनल में उनकी टीम ने सिल्वर मेडल जीता था, उसकी मेंबर रही हैं। 10 साल की उम्र से खेलना प्रारंभ किया। नॉर्थ जोन सिंगल्स का सिल्वर मेडल भी है कैडेट कैटेगरी में। आपके कोच हैं सोविक डे, एक जाना पहचाना नाम टेबल टेनिस की दुनिया से। इधर मुकाबला धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ, बल्कि टेबल टेनिस में तो तेजी के साथ आगे बढ़ा करता है। ये स्ट्रोक ताकत ज्यादा लेकिन कंट्रोल कम। नेट में उलझा स्ट्रोक फोरहैंड के जरिए खेला गया 5-2। फिलहाल पक्ष में है 2-5 पर सर्विस करेंगी श्रीजानी डे। जगह बनाई, पोजीशन ली, अच्छा स्ट्रोक डाउन द मिडिल शरीर की तरफ, मुश्किलें पैदा करता हुआ रिकवरी करती हुई। 1-5 डाउन चल रही थी, अब 5-3, केवल 2 अंक का अंतर है। ये बेहतर, एक अच्छी रैली इस मैच की। हालांकि बड़ा कम समय बीता है लेकिन सबसे अच्छी रैली अभी तक की। बहुत बढ़िया बैक एंड फ्लिंग, बिल्कुल टेबल के पीछे से, इतनी दूर से इतने नियंत्रित फ्लिक्स देखने को नहीं मिला करते हैं। लेकिन आपने वो स्ट्रोक खेला, पॉइंट अर्जित किया, अच्छी खासी बराबरी हासिल की है, अच्छी खासी रिकवरी की है श्रीजानी डे। दोनों ही उम्र में लगभग बराबर, 26 अक्टूबर 1998 की पैदाइश अगर पवित्रा की है तो 26 मई 1998 की पैदाइश है श्रीजानी डे की। इस वर्षीय हैं दोनों ही खिलाड़ी। चौबीस वर्षीय दरअसल, 98 की पैदाइश है, 2022 इस समय चल रहा है। अनुभवी खिलाड़ी हैं दोनों ही और मौके की नजाकत समझते हैं। नवदर एक और खास बात यह है कि यहां 2-0 अप चल रहा है SRM यूनिवर्सिटी का दल। ये मस्ट विन मुकाबला रहेगा, यहाँ अगर मुकाबला श्रीजानी डे नहीं जीतती हैं तो ये मैच, ये मुकाबला और प्रतियोगिता का गोल्ड मेडल SRM यूनिवर्सिटी तमिलनाडु के हिस्से में चला जाएगा। जी बिल्कुल प्रशांत, और वही सब इस तीसरी टाई में देखने को मिल रहा है। स्कोर बहुत बराबर बराबर चल रहा है।
नाइन ऑल श्री जनी डे सर्विस करती हुई, दो सर्विस हैं उनके पास और पहली सर्विस गवा दी ऐसे समय पर जब आपको मुकाबले में किसी भी तरह से जीत हासिल करना ही है। स्कोर लेवल 10 ऑल, ड्यूस पर यह मुकाबला पहुंचा दिया है श्री जनी डे ने, अपनी गलती की भरपाई की, वापसी की उन्होंने। बैक हैंड बहुत पावरफुल फ्लिक मारती हैं, लेकिन अब एक गेम पॉइंट पवित्रा के पास, 10-11। और टेबल से बाहर रिटर्न के साथ ही पहला गेम बहुत ही संघर्ष के साथ 12-10 से अपने पक्ष में किया पवित्रा ने, और एसआरएम यूनिवर्सिटी तमिलनाडु की उम्मीदें जीवित रखी हैं स्वर्ण पदक को जीतने की। पहला जो टाई था वो कोशिका वी ने एसआरएम यूनिवर्सिटी को जिताया दीपानीता बासु के विरुद्ध, उसके बाद द ग्लेडन फ्लोरा ने एक बहुत कमाल का प्रदर्शन किया और 3-1 से दूसरा गेम जीतते हुए मुनमुन कुंडू को उन्होंने पराजित किया था और अपनी टीम को 2-0 से इस टाई में जीत दिला दी है। और अब वन लव बेस्ट ऑफ 5 के इस मुकाबले में एसआरएम यूनिवर्सिटी की पवित्रा के लिए पहला अंक गवाती हुई पवित्रा। श्री जनी डे बहुत उम्मीदें अडामास यूनिवर्सिटी को अब उनसे कि वे इस टाई में यह मुकाबला अपने पक्ष में करें और जो स्कोर 0-2 हो गया है उसे 1-2 पर लेकर आएं। और अब करो या मरो की स्थिति है न केवल श्री जनी डे के लिए बल्कि अडामास यूनिवर्सिटी के लिए भी, कि हर मुकाबला उन्हें जीतना ही है। लव टू अच्छा धैर्य अच्छा नियंत्रण, 3 लव 3 पर पहुंच चुकी हैं अब श्री जनी डे। अपने आप को बहुत ज़्यादा नियंत्रित करती हुई, अपने आप से बातचीत करती हुई कि उन्हें कम से कम गलतियां करनी हैं, जितनी कम वे गलतियां करेंगी उतना ही वे पवित्रा को परेशान करने में कामयाब हो सकती हैं। बहुत ही बढ़िया फॉरहैंड पावरफुल स्मैश, पहला अंक इस गेम में पवित्रा के लिए, 3-1 पर सर्विस श्री जनी की। बहुत जल्दी जल्दी अंक आते हुए दोनों टीम के खिलाड़ियों के लिए, 3-2। और ये किस्मत वाला अंक रहा पवित्रा के लिए, और ऐसा खेल में अक्सर होता रहता है, या तो कभी टेबल के एज से बॉल लग जाती है या कभी नेट से बॉल लगने के बाद पॉइंट मिलता है। थ्री ऑल दूसरा गेम इस तीसरी टाई का, और जो खिलाड़ी 0-3 से पीछे चल रही थी इस समय 4-3 से आगे हो गई हैं एसआरएम यूनिवर्सिटी के लिए पवित्रा। एक और पॉइंट बनता हुआ, लगातार 5 पॉइंट उन्होंने बना लिए हैं। पिछले वर्ष टीम की मेंबर नहीं थी और पहली बार खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में भाग ले रही हैं एसआरएम यूनिवर्सिटी के लिए, और अब जाकर उस लय को तोड़ा जो लय बना ली थी 5 लगातार पॉइंट अर्जित करके पवित्रा ने, 4-5 श्रीजनी। फाइव ऑल प्रशांत, हर अंक अब इन दोनों खिलाड़ियों का जो अनुभव है उसकी कहानी कहेगा, क्योंकि अब ऐसी स्थिति है कि जहां से श्रीजनी को तो हर गेम जीतना ही है और दूसरी तरफ उनके ऊपर बहुत कुछ निर्भर करेगा ये मुकाबला इस स्वर्ण पदक का। जी बिल्कुल दामोदर, मस्ट विन मुकाबला है ये, न केवल श्रीजनी के लिए बल्कि अडामास यूनिवर्सिटी के लिए भी। बेस्ट ऑफ 5 के मुकाबले में 2-0 की बढ़त है, शुरुआती 2 सिंगल्स एसआरएम यूनिवर्सिटी ने जीत लिए हैं, पहले कोशिका ने उसके बाद ग्लेडन फ्लोरा ने।
और ये सिंगल सकर गवा देता है एडमास यूनिवर्सिटी, तो जाहिर सी बात है गोल्ड मेडल हिस्से में आएगा एसआरएम यूनिवर्सिटी के पास। और बढ़िया प्रदर्शन कर रहे हैं, पहले गेम में जीत दर्ज की 12-10 से, दूसरे गेम में बराबरी का खेल खेलते खेलते अब आगे निकली हैं 8-6, और 8-6 की चूँकि आप आखिरी पड़ाव में हैं गेम के तो कॉन्फिडेंस आपके पास ज़्यादा होगा, विपक्षी के पास रिकवरी करने का दबाव रहेगा। सर्विस अच्छी लेकिन उतना ही अच्छा रिटर्न, थोड़ा सा नेट के नज़दीक आकर शरीर की तरफ वापस भेजा सर्विस को और अंक अर्जित किया 7-8। थोड़ा सा डिफेंसिव तरीका अनुभव है, जानते हैं कि वापसी कैसे की जा सकती है। श्री जानी डे की मैं बात कर रहा हूं, संयम के साथ धैर्य का परिचय दिया, विपक्षी के इरादों को भापा, पहले सर्विस को भापा फिर रिटर्न को भापा, फाइनली 8-8 की बराबरी हासिल की। दोनों ही खिलाड़ी अपनी अपनी टीम की सबसे अनुभवी खिलाड़ी हैं, 24 वर्षीय, 98 की पैदाइश है, मई 98 के जन्मे हैं श्री जानी डे, जबकि अक्टूबर 98 में जन्मे हैं पवित्रा। इधर गेम पॉइंट पर पहुंचे हैं पवित्रा, पिछला गेम जीता था 12-10 से, वहां भी नज़दीकी अंतर था, सर्विस एडवांटेज पास में है, 2 अंक की बढ़त है, 2 गेम पॉइंट हैं, और ये हासिल किया, बहुत डीप उनका गया था फोरहैंड स्ट्रोक, जगह नहीं मिला करती, जब टेबल के बिल्कुल कॉर्नर पर हिट किया करता है विपक्षी का स्ट्रोक, और इस तरीके से 11-8 से 2-0 की बढ़त हासिल कर ली है। यहाँ कहा जा सकता है कि इस मुकाबले में एसआरएम यूनिवर्सिटी ने बड़ी मजबूत बढ़त हासिल कर ली है, 11-8 से दूसरा गेम जीता, 2-0 की बढ़त है इस समय पवित्रा के पास श्री जानी डे के खिलाफ। नए गेम की शुरुआत होने जा रही है, इस सिंगल्स का तीसरा गेम है, 2-0 की बढ़त है, मस्ट विन गेम रहेगा, मस्ट विन सिंगल्स भी है ये, किन्हीं भी हालात में एडमास यूनिवर्सिटी को ये मुकाबला जीतना होगा, ये सिंगल्स जीतना होगा, तभी इस टाई में बरकरार रहेंगे, इस फाइनल मुकाबले में बरकरार रहेंगे, अन्यथा गोल्ड मेडल जाएगा एसआरएम यूनिवर्सिटी के पास। बार बहुत मुश्किल कोण दिया था विपक्षी को, वन टू, पवित्रा ने इस मुकाबले में खासी बढ़त हासिल कर ली है, ना केवल खेल को लेकर बल्कि मानसिक तौर पर भी, 12-10 से। पहला गेम 12-10 से जीता, वो संघर्ष भरा था, वहाँ से जीत आपको कॉन्फिडेंस दे गई, दूसरा गेम जीता 11-8 से, तो 2-0 की बढ़त आपको ड्राइविंग सीट पर बैठा दिया करती है। वन फाइव, वन टू डाउन चल रही हैं, उसके बाद तीसरे गेम में जो निर्णायक साबित हो सकता है वहाँ 1-6। सब कुछ हासिल किया है पवित्रा ने, तीसरा सिंगल्स खेलना अपने आप में चुनौती भरा रहा करता है, शुरुआती 2 सिंगल्स के रिजल्ट आपके पास रहा करते हैं बेस्ट ऑफ 5 के मुकाबले में, पवित्रा के पास वो जवाबदारी थी उसको बखूबी निभाया, पहला गेम संघर्ष के बाद जैसा कि मैंने बताया 12-10 से जीता, दूसरे गेम में रिदम भी था, कॉन्फिडेंस था और विपक्षी पर दबाव भी था, उसका हल निकला, उसका परिणाम निकला, 11-8 से दूसरा गेम जीता, और तीसरे गेम में जो अंतर पैदा किया है 5 अंकों का अंतर है, 7-5, 7-2 पर सर्विस कर रहे हैं, तो गोल्ड मेडल मैच धीरे धीरे पिछले संस्करण की ब्रॉन्ज मेडल टीम के पास, ब्रॉन्ज मेडलिस्ट टीम के पास पहुंचता दिख रहा है,
2-0 की बढ़त है, दोनों सिंगल्स जीते हैं एसआरएम यूनिवर्सिटी ने। अंपायर 9-4, केवल 2 अंक चाहिए गोल्ड मेडल जीतने के लिए एसआरएम यूनिवर्सिटी को। ये आया वो अवसर जहां पिछले संस्करण की ब्रॉन्ज मेडलिस्ट गोल्ड मेडल हासिल करने जा रही है। 14-6 मैच पॉइंट, 6 टाई पॉइंट, 6 गोल्ड मेडल पॉइंट ये गवाया, लेकिन अभी भी 5 अवसर हैं। पिछले संस्करण 2020 उड़ीसा में आयोजित खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के पहले संस्करण में ब्रॉन्ज मेडल जीता था और यह रहा गोल्ड मेडल। श्री जानी डे का फोरहैंड टेबल के बाहर गया और इस तरीके से तीसरा सिंगल जीतते हुए एसआरएम यूनिवर्सिटी ने महिला टीम चैंपियनशिप में टेबल टेनिस में गोल्ड मेडल अपने नाम किया। तो एसआरएम यूनिवर्सिटी तमिलनाडु के लिए एक और अच्छी खबर, एक और स्वर्ण पदक उनके दल के पास आया। टेबल टेनिस में टीम चैंपियनशिप महिला पर गोल्ड मेडल विजेता एसआरएम यूनिवर्सिटी तमिलनाडु तीसरे सिंगल्स में जीत दर्ज की, श्री जानी डे को परास्त किया। सीधे गेमों में 12-10, 11-8 और 11-5 से जीत दर्ज की पवित्रा ने श्री जानी डे के खिलाफ सीधे गेमों में 3-0 की। खेलो साथ में है हम, और खेलना चाहते हैं हम खूब खेलो।